भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आपके परिवार पर और आपके ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको देवशयनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस बार आपको आषाढ़ी एकादशी देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है तथा व्रत का पारणा आपको कब करना है एवं व्रत की विधि क्या रहेगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का आपको पालन करना है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यह समय भगवान की भक्ति करने का है। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 29 जून 2023 गुरुवार को है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण ऊपर के लोकों को नाप लिया था, दूसरे पग में नीचे के लोगों को नाप लिया था और समस्त दिशाओं को ढक लिया था और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने मस्तक पर प्रभु का चरण रखने के लिए निवेदन किया था। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर के भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रूप से निवास करो। तब भगवान ने राजा बलि की भक्ति को देखते हुए 4 माह तक उसके महल में रहने का उसे वरदान दिया। भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में राजा बलि के महल में निवास करते हैं और इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव मिथुन अथवा कर्क राशि में जब आते हैं तभी यह एकादशी आती है। इस एकादशी से चातुर्मास आरंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर पर शेष शैया पर शयन करते हैं और लगभग 4 माह बाद तुला राशि में जब सूर्यदेव आते हैं तब उन्हें देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जगाया जाता है, उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास का समय कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णन आता है कि 4 मास पर्यंत चातुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर प्रभु निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः अपने धाम को वैकुंठ लोक को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी एकादशी के रूप में माना जाता है। चातुर्मास में विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा आदि जो भी कार्य होते हैं वो सभी त्याज्य बताए गए हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि प्रभु जो है चातुर्मास में शयन करते हैं। इसको हरि शयन या योग निद्रा भी कहा गया है और इस दौरान भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन तथा कीर्तन करना, दान पुण्य करना और अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति एक स्थान पर रह करके करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है।
क्योंकि बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी इसे खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना इनका मुख्य कारण होता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास को बड़ा ही पुण्यदायी समय माना गया है। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन प्रभु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध किया था और अपनी थकावट को मिटाने के लिए प्रभु इसी दिन से अपना विश्राम का कार्य आरंभ करते हैं, जो कि निरंतर चार माह तक यानी देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलता रहता है। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में राजा के जो बलि थे उनको दान में जो प्राप्त हुई थी उसी का वरदान देकर के चातुर्मास का शुभारंभ किया था। और इसी तरह चातुर्मास में प्रभु की भक्ति करना, भगवत भजन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि चातुर्मास में ही अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास रहेगा, क्योंकि इस बार श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में भगवान के विविध प्रकार की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के महत्व का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाएगा। इसीलिए अधिक मास इस बार श्रावण का महीना है, इस कारण से 5 माह तक देव शयन काल रहेगा। प्रतिवर्ष 4 माह रहता है लेकिन इस बार 5 माह का समय देव शयन काल कहलाएगा। और इन देव शयन काल में चातुर्मास में आप सभी प्रभु की भक्ति करें, अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण करें, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक आधार है जिसका स्मरण करने से इस भव सागर से मनुष्य पार हो सकता है। चातुर्मास में भगवान शिव जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस बार 2 श्रावण माह आपको प्राप्त होंगे, तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। श्लोक में लिखा हुआ है कि एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को दान करना और गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसीलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। इस साल पुरुषोत्तम मास आएगा इसलिए इस साल एकादशियों की संख्या 26 हो जाएगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी,
श्री विष्णु शयनोत्सव या श्री पद्मनाभा एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून 2023 को सुबह 3:19 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी एकादशी तिथि का समापन 29 और 30 जून 2023 की मध्य रात्रि 2:42 पर हो जाएगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वो 29 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों व माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और देवशयनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 30 जून 2023 शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 तक व्रत का पारणा करना चाहिए या व्रत खोल लेना चाहिए। अगले दिन यदि और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, शुक्रवार का व्रत करना है, ऐसे में आप फल या फलाहारी अथवा जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन पारणा आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पारणा करेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा चावल और मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। पराय अन्न का अर्थ होता है दूसरे के घर का भोजन, और यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ प्रायश्चित स्वरूप आप दान अवश्य कर दें, क्योंकि यदि हम कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं ऐसी परिस्थिति में यदि प्रायश्चित स्वरूप कोई दान कर देते हैं तो हमें जो दोष लगता है वो नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। वैसे तो सुबह 4:30 से 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है और माताओं बहनों को बाल धोकर स्नान करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि एकादशी के दिन सुबह बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप दशमी के दिन बाल धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके पवित्र हो जाएं, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और इस दिन मस्तक पर तिलक धारण करें, उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। क्योंकि यदि आप कोई भी व्रत करते हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से यानी बिना किसी कामना के एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प लेना चाहिए, और यदि आप कोई कामना या इच्छा लेकर के व्रत करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा स्थल पर या भगवान के सामने या पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके और सामने जल का पात्र रखें। एक पूजा की थाली में रोली चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रखें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। कुछ पैसे सुपारी पीला पुष्प रखें और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें। हाथ के मध्य भाग में जल सुपारी और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखें। कुछ पैसे रखें सुपारी पीला पुष्प रखें तुलसी जी का पत्ता रखें। आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कर्णं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीवद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्यप्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे ही सम्मत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे ही शुभै ही शुक्लपक्षै ही अध्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बृहस्पति वासरान्वितायां मा स्वाति दिवस नक्षत्रे तुला राशिस्ते श्रीचंद्रैः
मिथुन राशि से श्री सूर्य ही, मेष राशि से श्री देवराज गुरु, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे ही आषाढ़ी देवशयनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए देवशयनी एकादशी व्रत को धारण कर रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से एवं नियमों का पालन करते हुए हम एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पित करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प वैसे तो आप सूर्योदय के पहले भी धारण कर सकते हैं, वैसे सूर्योदय से ही व्रत का आरंभ माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, तुलसी माता के यहाँ दीपक लगाएं, माता पिता एवं गुरुजन को मानसिक रूप से या वास्तविक रूप से प्रणाम करें, गौ माता का पूजन करें, गौ माता को आप रोटी दाल चावल इत्यादि कोई भी भोजन की शुद्ध भोजन पदार्थ खिला सकते हैं। लेकिन जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल इस दिन फलाहार करना चाहिए। फलाहार में हल्दी और सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो शुद्ध फल होते हैं वो भी एकादशी के लिए सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और इस दिन किसी को चावल खिलाना भी नहीं चाहिए। अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा और अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तीन प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और दूसरे होते हैं वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है, और तीसरा होता है मानसिक। मन में यदि कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो पापों को नष्ट करने वाला व्रत है, इसलिए इस दिन गलती से भी कोई पाप हमको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का भी आपको अनादर नहीं करना चाहिए, और देवी देवताओं की, शास्त्रों की निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दिन में सोना वर्जित माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप थक जाते हैं तो अल्प विश्राम कर सकते हैं। यदि नींद आ जाए तो आप स्नान करके पुनः पवित्र हो जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान की जो कथाओं का श्रवण आपको करना चाहिए, एकादशी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत कथा जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आपको एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं
तभी हमें एकादशी व्रत कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अनिवार्य रूप से प्रदान करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जरूर नहीं कि बहुत अधिक या बहुत कम, जो आपकी हैसियत हो, आपकी शक्ति हो, उसके अनुसार ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग सकते हैं तो जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करें, नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप में शक्ति या सामर्थ्य है उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को विशेष रूप से पूजन अर्चन करके, श्रृंगारित करके उनको नैवेद्यम जरूर लगाना चाहिए। जो फलाहार आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। ये देवशयनी एकादशी है, इस दिन भगवान के लिए सुंदर सैया का निर्माण आपको करना चाहिए, यानी एक चौकी के ऊपर अच्छी मखमली गादी आप प्रभु के लिए तैयार कर ले और उस गादी के ऊपर अपने ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल जी को इस एकादशी की रात्रि में जरूर सुलाएं। जिस प्रकार हम प्रभु को उठाते हैं उसी प्रकार इस एकादशी की रात्रि में प्रभु को सुलाना चाहिए और सुंदर सुंदर गादी और रजाई उनके लिए तैयार करें। और इस समय थोड़ी गर्मी रहती है इसलिए ऐसा प्रबंध करें कि उनके पास ठंडक बनी रहे। जल पात्र यदि आप प्रभु के समीप भर करके रख देंगे तो वहां पर ठंडक बनी रहेगी, वहां का तापमान कम रहेगा। तो इस दिन प्रभु को सुलाना चाहिए और एकादशी व्रत के दिन प्रभु का विशेष रूप से आप पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में नित्य रूप से पूजन अर्चन होता है तो आप उस विधि से करें, अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण, बाल गोपाल जी या फिर राधा कृष्ण या शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं के ढेरी रख करके, एक तांबे का लोटा रख करके उस पे मूली बांध देवे और आम के पत्ते रख करके, जल भर करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। आरती उतारे और ब्राह्मण के मुख से कथा जरूर सुने और जो फलाहार आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं पहले प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं उसको ग्रहण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।